नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली के शुभकामना। हैप्पी होली, हैप्पी धुलेटी। दोस्तों, हमने पिछले एक वीडियो बनाई थी कि हम इंटरनेट से कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो आपने वो वीडियो पूरी देखी होगी कि किस प्रकार हम इंटरनेट से पैसा कमा सकते हैं, जैसे यूट्यूब ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना, डेली मोशन, कोरा, फेसबुक। वैसे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें से हम पैसा कमा सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि क्या ऑनलाइन पैसे कमाना आसान है, क्योंकि हमने वो देखा था कि बहुत सारी कंपनी से हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अब उसमें एक प्रश्न है कि क्या हम पैसा आसानी से कमा सकते हैं, तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें सॉफ्टवेयर काम करते हैं, ऐप काम करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर और ऐप वो बनाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है, वो कोड से बनते हैं, तो हमें उसका नॉलेज भी चाहिए। अगर हमारे पास मोबाइल, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का कोई नॉलेज नहीं है तो फिर हम ऑनलाइन पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि यह पहले सीखना पड़ता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान भी नहीं है। ये सॉफ्टवेयर का जो नॉलेज है वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि हमें वेबसाइट या ऐप बनानी है तो उसमें कैसे काम करना है, वो कैसे काम करती है और हम उसमें से कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो वेबसाइट, यूट्यूब, ऐप, ये इतना सिंपल इजी भी नहीं होता, उसके लिए पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, बाद में हम करेंगे तो सफलता मिलेगी। अब वो आसान क्यों नहीं है? क्योंकि जिसको नॉलेज है उसके लिए आसान है, लेकिन जो नए लोग हैं, जिसको कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं है, उसको कुछ भी उसमें नहीं आता, उसके लिए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये आसान भी नहीं है। क्यों आसान नहीं है, मैं उसका आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे हम अकाउंट क्रिएट करते हैं ऑनलाइन, किसी भी कंपनी से जब जुड़ते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, तो उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसकी गाइडलाइंस होती है, उसके रूल्स होते हैं। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन का हम पालन करते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, तो ठीक है। अगर हमने एक भी मिस्टेक किया, एक गलती, सिर्फ एक गलती से हमारा अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। जैसा अभी यूट्यूब की नई पॉलिसी आई, तो अब एवरी डे हजारों चैनल, थाउजेंड चैनल डिलीट हो रहे हैं। फेसबुक में हम पैसा कमा सकते हैं, तो उसमें भी हमारा अकाउंट टर्मिनेट होता है। कोरा में टर्मिनेट होता है, डेली मोशन में भी टर्मिनेट होता है, हमारा ऐप भी रिजेक्ट होता है, हमारा गूगल प्ले स्टोर अकाउंट भी टर्मिनेट हो सकता है, हमारा एडसेंस अकाउंट भी टर्मिनेट हो सकता है, बाकी बहुत सारी एडवर्टाइज कंपनी है उसमें भी हम अपनी ऐड डालने के लिए भी हम ट्राई करेंगे, उसको पैसे दे के हमें तो ऐड डालनी है, तो वो भी अकाउंट हमारा टर्मिनेट हो सकता है सिर्फ एक गलती से। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें अगर नॉलेज नहीं है तो हम गलती करेंगे। मैंने जब पहला ऐप बनाया था, मैंने गूगल प्ले स्टोर पे डाला, कोई नॉलेज नहीं था, कोई आइडिया नहीं, पहला ऐप मेरा रिजेक्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया, सीखने की कोशिश की, और उसमें जो हमें गाइड करते हैं तो उस हिसाब से हम चले, तो दूसरा मेरा ऐप पब्लिश हुआ। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो रिजेक्ट भी होता है, और बार बार गलती करने से कुछ अकाउंट टर्मिनेट हो सकते हैं। और दूसरी ऐसी कंपनी है कि जहाँ एक भी गलती नहीं चलती, जैसे मैंने अभी कोरा में मेरा अप्रूव हो गया है, कोरा से भी मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं जो क्वेश्चन डालता हूँ उस पे जो ऐड चलती है तो उसके मुझे पैसे मिलते हैं, तो वो मेरा जो पार्टनर प्रोग्राम है वो कोरा से मुझे ऑफर आई थी तो मेरा एक्सेप्ट हो गया, अभी वो चल रहा है। लेकिन मैंने जो ऐप बनाया है वो ऐप को प्रमोट करने के लिए मैंने कोरा में ऐड डाली,
तो पहला ही मैंने ऐप डाला, मैंने 25 पाउंड उसको पे किया, लेकिन मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया, उसमें कुछ मिस्टेक थे। तो कोई गाइडलाइंस भी हमें नहीं मिलती कैसे करना है क्या करना है। तो हम जब करने जाते हैं तो वह पहली बार में हमारा अकाउंट ही सस्पेंड कर देते हैं। तो ये ऑनलाइन कंपनी में ये आसान भी नहीं है कि आप पैसे कमा लो, कुछ भी डाल दो और पैसा मिल गया, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि उसकी पॉलिसी के हिसाब से ही हमें चलना है, उसकी जो गाइडलाइंस है, उसके जो रूल्स है, उसको ही हमें फॉलो करना है। अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारा अकाउंट ही टर्मिनेट हो जाएगा, और वो लाइफ टाइम अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है, फिर हम नहीं बना सकते। आप सोचेंगे कि हम दूसरी आईडी बना के कर देंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा एड्रेस, हमारे बर्थ डेट, हमारा नेम सब वहाँ रजिस्टर हो जाता है। फिर आप जितने भी आईडी से अकाउंट क्रिएट करोगे तो वह रिकॉर्ड में आ जाएगा कि आपका अकाउंट पहले से क्रिएट किया हुआ है, तो आप नहीं कर सकते। तो बेहतर है आप पहले सीखें, बाद में ट्राई करें, क्योंकि आप डायरेक्ट कोई भी चीज़ करने जाएंगे इंटरनेट पे तो वो ब्लॉक ही हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, और आप पैसे नहीं कमा सकते। आपने अगर खर्चा किया है तो वो भी बेकार जाएगा। इसलिए पहले आप सीखने की कोशिश करें। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलते हैं जो ट्रेनिंग के वीडियो होते हैं। मैंने पे जैसे ऐप बनाना स्टार्ट किया तो मैंने पहले यूट्यूब से देखा था, वेबसाइट मैंने जब बनाई तो मैंने यूट्यूब में देखे थे कैसे करना है, तो उसमें वीडियो देख देख के मैंने सीखने के बाद ये बनाने की कोशिश की। जब बनाने लगे तो फिर उसमें आइडिया, नए नए आइडियाज़ हमको मिलने लगे और हम आगे बढ़ते गए, और आज हमने ऐप बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया, वेबसाइट बनाई, डेली मोशन, कोरा, फेसबुक पेज, ये सब मैंने वीडियो में देख के सीखा है। तो आप एक गलती कभी मत करना कि आप किसी ने बता दिया कि ये वेबसाइट से हमें पैसे मिलेंगे और आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया, कुछ भी डाल दिया और पैसा मिल गया, ऐसा नहीं है। उसको पहले प्रॉपर उसकी गाइडलाइंस है, उसकी पॉलिसी पहले हमें देखनी पड़ेगी, वो क्या कहते हैं, उसके बाद अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद भी पूरी तरह से उसके जो वीडियो यूट्यूब में मिल जाएंगे वो भी देखो, कौन से वेबसाइट में आप जा रहे हैं उसके वीडियो देखो, कितने पैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, वो देखने के बाद आप आगे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट से हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो आसान भी नहीं है। अगर गलती की तो अकाउंट आपका टर्मिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो आप ये मिस्टेक कभी मत करना, आप पहले सीखने की कोशिश करें, किसी से पूछे, गाइडलाइंस ले, वीडियो देखे, उसके बाद आगे बढ़े। तो आपने हमारा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे ऐसे वीडियो आपको मिल सके, और हमारी नई अगली वीडियो भी इसी तरह से आती रहेगी। आप हमसे जुड़े रहे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद। फिर से एक बार कह दूँ, हैप्पी होली, हैप्पी धुलेरी, शुक्रिया।